हे गाइस, हाउ यू ऑल एंड होप आप लोगों की होली बहुत 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 अमेजिंग रही हो। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हो एंड आफ्टर ऑल फेस्टिवल्स होते ही इसलिए हैं। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होली वाले, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। एंड गोविंद जी मंदिर में भी वी हैड लॉट्स ऑफ फन। एंड अभी और विकास एंड विकास के आई मीन जो भैया भाभी हैं वो हमेशा होली पे आते हैं, वो एक हम लोगों का रिचुअल है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स और आए थे एंड जो विकास वगैरह है उन्होंने गुलाल में कलर मिला दिया था, स्पेशली बड़े भैया, एंड उन्होंने लगा दिया। देखिए अभी भी मुझे उतरा नहीं है, सो दो दिन तो मैंने शूट थोड़ा सा डिले किया, बट ऑब्वियसली शूट भी कब तक ही डिले होगा। सो मैं अभी ऐसे ही जितना कलर उतरा है जितना मैं कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करके अब मैं थोड़ी देर में, बस मेरा शूट है, मुझे सिर्फ चेंज करना है। और अभी जो वीडियो शूट करते हैं वो भी ऑन द वे है, लेकिन अगेन ही इज़ लेट एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज आप लोग जानते हैं हाउ पंचुअल आई एम। अगर 1 o'clock है तो प्लीज़ मेक इट 1 o'clock एनी हाउ। और अगर आपको लगता है आप लेट हो जाते हो तो आप मुझे 1:30 का टाइम दो, बिकॉज मुझे एंग्जाइटी सी होने लगती है। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है इफ़ एनी वन इज़ लेट, बिकॉज आई एम नेवर लेट। कभी कभार रेयर ऑफ द रेयर केस या जेन्युइन कुछ अनअवॉइडेबल कोई ऐसे सर्कमस्टेंस हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑलवेज बी ऑन टाइम गाइज एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम एज वेल। सो एनी वेज मैं बस अब रेडी होने जा रही हूँ, बस मुझे चेंज करना है। और मैं चेंज क्योंकि मुझे इतना तो राहुल की आदत पता लग चुकी है, वो 1 o'clock का टाइम देते हैं लेकिन 1:30 एंड समटाइम्स 2 o'clock आते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला था कि बी ऑन टाइम, और इसलिए मैंने चेंज, क्योंकि वो फिर चेंज करके ड्रेस में घर में मैं कब तक बैठी रहूँगी। सो एनीवेज अभी मैंने पूछा, वो नेशनल हैंडलूम पहुँचे हैं एंड एक बार वो आ जाए मैं फिर समझाऊँगी कि प्लीज़ बी ऑन टाइम, एंड उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी एंड देन फिर शूट स्टार्ट करते हैं। और आज भी इंडोर ही होगा, आउटडोर के लिए कोई एक लोकेशन थोड़ा डिसाइड नहीं हो पा रही एंड बट वेरी सून हम लोग आउटडोर का जल्दी ही ट्राई करने वाले हैं। सिंस टेन टाइम आई थिंक राहुल आ गया, सो मैं गेट खोल के आती हूँ। सो गाइस मेरे 2 शूट हो चुके हैं और उसमें से 1 शूट तो सेम ही था जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले किया था, लेकिन उसका वही कुछ टाइमिंग वगैरह या कुछ इशू आया, सो मुझे वो पूरा शूट वापस से करना पड़ा है। और ये वाला मेरा आउटफिट था, अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ और आज मैं एक कॉलेज कॉन्सेप्ट पे बना रही हूँ और लेट्स सी कि कैसा रहता है। सो मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ कि मेरा फर्स्ट आउटफिट होगा। और इस आउटफिट के बाद क्या था, इस आउटफिट के ये मेरा फर्स्ट आउटफिट होगा एंड दूसरा सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग सिलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वो उसके हिसाब से होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जल्दी से चेंज करती हूँ। सो गाइस आई एम रेडी एंड प्लीज डोंट जज, एज यू ऑलवेज नो कि शूट में थोड़ा सा मेस्ड अप सा रहता है, मुझे हेयर स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करना है और लेट्स सी कि कैसा टर्न आउट होता है जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सोचा है। एंड अगेन दिस आउटफिट इज़ वेरी 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 ओल्ड, आई थिंक इसको मोर देन 10 ईयर्स हो गए और ये ऐसे ही रखा हुआ था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी भी मुझे बड़ा फिट सा आ रहा है। सो गाइस अभी भी जैसे मेरे माइंड में आया है कि कॉलेज कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो मैं कुछ बुक्स लेके एक्ट कर दूँ और मैं अपनी बुक्स लेने जा रही हूँ। सो अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसा यू नो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही शूट होगा या नहीं। सो बने हुए हमारे साथ आगे के रिजल्ट के लिए। सो गाइस मेरा अभी ये आउटफिट मैंने चेंज किया है और अब इसमें मैं शायद सेकंड लास्ट शॉट दे रही हूँ और लेट्स सी कैसे टर्न आउट होता है। राहुल एंड मेस्ड अप चीज़ें। सो अगेन ये सारी चीज़ें मछली राहुल ने खाई नहीं, मिट्टू को भी अब मुझे खोलना है, शूज़ एंड ये हील सारे ऐसे मेस्ड अप हो रहा है, देखिए आप, अब ये पूरा संभालना है। सो गाइज़ आज का शूट कंप्लीट हो गया है और मैंने आप लोगों ने शायद ग्लिम्स बहुत कम देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, उसका रीज़न ये है आज वंशी है नहीं। सो वंशी शूट करती रहती है और मेरे पास वो दूसरा वाला ट्राईपॉड नहीं है जिसमें मैं यू नो फ़ोन को लगा के शूट कर पाऊँ, तो इस वाले और आज हम लोग स्पीकर मेरा वाला चल नहीं रहा एंड वो पता नहीं कहाँ हो रहा है, वो छोटा वाला स्पीकर तो मिल नहीं रहा है लिप सिंक के लिए,
और साउंड के लिए, साउंड के बिना ना वो कुछ हो नहीं पाता। और राहुल अपने स्पीकर आज लेके नहीं आए, मतलब वो भूल गए, और इससे साउंड चल रहा था और एक से शूट हो रहा था, सो मैं वो बिहाइंड द सीन्स वाले एग्जैक्टली कैप्चर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद एक जगह ये था कि मुझे शूट में अपना मोबाइल चाहिए था, फिर साउंड के लिए कुछ नहीं था, फिर मैं मम्मी का फ़ोन लेकर आई, एंड या इस तरीके से आज का हमारा शूट कंप्लीट हुआ। और लास्ट मेरा ये आउटफिट था। इसके जो रील्स हैं, इसके वीडियोस जो शूट की हैं, वो आप लोग जल्दी देखेंगे एंड बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड ये जो बिहाइंड द सीन्स वाले जो वीडियोज़ हैं, ये सारे लेट पोस्ट होंगे। रीज़न बिहाइंड, जब मैं रील्स पोस्ट कर देती हूँ और लुक रिवील ना हो उसके बाद व्लॉग्स पोस्ट होते हैं, सो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। और सो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वाले वीडियोस बिहाइंड द सीन्स वाले और शूट वाले कैसे लग रहे हैं। होप यू लाइक इट। एंड आप लोग देखते होंगे, आज मैंने शूट तो 10 या 12 किए हैं, लेकिन रील के अकॉर्डिंग मेरे 2 शूट्स ही हुए हैं, क्योंकि जो 10-12 लुक हैं वो एक ही रील में आने हैं। और तो इस तरीके से है सारा। एंड आप रिलेट कर पाते होंगे कि कितनी मेहनत जाती है। अभी 5 बजने वाले हैं, अभी राहुल निकल चुके हैं और मैं अब बस चेंज करूँ। चेंज करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड देन फिर जिस वेंचर पे, चलिए मैं बताती हूँ आपको। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर एक्साइटिंग थिंग्स ऑन द वे। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ में कुछ कमी लगे या फिर आप लोग कोई आइडियाज़ देना चाहें, सजेशन देना, प्लीज़ फील फ्री। एंड किसी को अगर ब्लॉगिंग अपना करियर या फिर आप लोग ट्राई करना चाहें, तो आप लोग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ बताइएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू फॉर श्योर। आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और कितने भी DMs हों मैं सबको रिवर्ट करती हूँ जो लॉजिकल होते हैं ऑब्वियसली, नहीं तो आप लोगों को पता है गर्ल्स के कितने सारे DMs ऐसे फुल रहते हैं। सो एनीवेज, अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, मैं करती हूँ चेंज, और थोड़ी सी लग रही है भूख, सो आई हैव समथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, बाय, टेक केयर।